ओके जी, सो इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स गुड इवनिंग। तो भाई आज है हमारे घर पे ससुराल वालों की दावत। सुबह से तो आपका भाई उठा हुआ था, इधर उधर के छोटे मोटे काम भी कर रहा था और बिस्तर पे लोट पोट रहा था। तो मुझे अब ख्याल आया थोड़ा सा अपना होलिया वगैरह भी दुरुस्त करवाते क्योंकि ससुराल वाले आ रहे हैं, सब घर में आए हुए मेहमान भी। चलो बगैर किसी देर के फटाफट से निकलते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गया। अब आप लोग बोलोगे भाई क्या करवाया, दाढ़ी वाड़ी तो वैसी की वैसी है। नहीं भाई, मैं थोड़ी सी फ्रेश करवाई क्योंकि मुझे मायू मेहंदी के लिए कुछ हैवी लुक चाहिए था। क्या कर रहे हो तुम, व्लॉग बना रहे हो? ये कौन सा व्लॉग है, खामोश व्लॉग? ये जो है ना वो थोड़ा सन्नाटे वाला व्लॉग है। ये तो मुझे लग रहा है आप हुसैन तरीन से इंस्पायर हुए। आप लोगों ने देखा होगा भाई हुसैन तरीन का वाला व्लॉग जिसमें वो खामोश है। अब जैसे मैंने आप लोग को बताना है कि हमें भूख लग रही है और हम जा रहे हैं जूस पीने, तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो चलो भाई पहुँचते हैं। इतना करीब क्यों लगा दी भाई जान, कोई है? हेलो यार, शेक तो पिला दो। कौन सा पीना जल्दी बताओ यार। केले और खजूर का यार, एक केले और खजूर का दे दो और एक बनाना शेक दे दो। सुस्ती हो रही है तो केला खजूर। अबे यार इतनी हालत खराब हो गई, पूरी रात बाड़े पे, फिर सुबह उठते के साथ ही इनको पॉलर लेके आना पड़ा, इतनी हुआरी है यार। मजे की बात, अभी दावत भी नहीं लोगों की है, अब हम क्या करें। अभी तो ये मगरिब हो गई, ये यहीं पे अभी घर जाएंगे फिर आएंगे, फिर मगरिब में पहुंचना था, मगरिब में पहुंचना था, ये बात है। आ जाओ भाई, आ गया आ गया आ गया। चलो भाई कैसा है, दिल खुश कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ आगा आगा गोली मारो, यही आएंगे। तो चलो भाई मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है उस्ताद, बहुत अच्छा मैकेनिक का काम सिखाया तुमने, अच्छा बना अच्छा बना। चलो भाई चुपचाप से पीते हैं फिर निकलते। तो भाई साहब हम लोग घर पे आ चुके हैं यार, बहुत लेट हो चुका है, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, मतलब हमें जल्द से जल्द सारे काम एक जगह करके निपटाने हैं। मैंने कपड़े भी निकाले हैं, जब तक ये स्त्री हो रहे हैं तब तक हमें जाके किसी को लेके आना है, तो उनको भी लेके आते हैं। नहीं मैं अपनी बेगम की बात नहीं कर रहा, वो लोग खुद ही आएंगे। मुझे लेने जाना है अपनी ताई को, वहाँ से कुछ चीजें वो भी लेके आनी है, तो जल्दी फटाफट से जब तक स्त्री हो रहे हैं हम होके आते हैं। सुभान अल्लाह जी से खराना हाज अब हम कुन्ना लहू मुकरीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन कलीबून, लेट्स गो। अबे भाई सामान उठाना है, बहुत सारा सामान है, आ जाओ। चलो भाई पहुंच गए। सबसे पहले तो ये उठा के रखो, पीछे सेटिंग बनाओ उसकी, डिग्गी में रखो ये लो, मैं दूसरे काम करता हूँ। भाई साहब आ जाओ, चले रखो, सेट करो इसको अंदर आराम से, बिल्कुल सीट वीट नहीं फटनी चाहिए मेरी भाई, बस अपनी जगह बना लेना यहाँ पे, सही है? ओए होए, बस ये आराम से पकड़ के बैठे रहो, ये पाए हैं गिरने नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। कोई कपड़ा है ये रख दे ताकि अगर थोड़ा सा गिरे भी तो देखें। और सामान तो नहीं, और तो कुछ नहीं है, ले आ जाए। चलो भाई चल। तो भाई साहब फाइनली हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं और भाई मेरा कमरा साफ कर रही है मेरी प्यारी सी बहन, मेरी हमेशा ये तो मेरी लगा। हाँ जब तक भाभी नहीं आ रही तब तक कमरे का ख्याल छोटी नंद रख रही हैं। चलो भाई फैजा ने तकिए वक्के कर दिए डन, अब ये यहाँ पे हो जाएंगे सेट बिल्कुल। क्या तुम हमारे शीशे में देखे जा रही हो बार बार हैं? अब एक बात सुनो, कमरा सेट करना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अब ये कमरा ऐसा हो जाना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा, सही है? मतलब कोई देखे तो ऐसा बोले वाओ। तो तुम अपने काम करो फटाफट से, खाना वाना बनाया तुमने कुछ आज? मैं क्यों बनाऊंगी? अच्छा हाँ, अभी तो तुम छोटी हो। लेकिन मैं काम बहुत करती हूँ, ये तो है, मानो नहीं मानो, ये तो है, ये तो है। मेरी जो छोटी सी बहन है ना ये काम बहुत करती है भाई घर। और ये बताओ जब मैं सफाई करती हूँ तो मेरे हाथ में एक वो फिनिश आती है कि हाँ लग रहा है काम। हाँ। भाई ये नहीं कि ऐसे। अभी आप सब देख सकते हैं व्हाइट टाइल्स यहाँ पे फिजा ने सफाई की हुई है, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं, चमक इसलिए नहीं रहे। एक सेकंड लाइट वाइट खोलो भाई, दिखाओ व्हाइट टाइल्स फिजा ने साफ किए हैं। पोछा लगाऊंगी। अच्छा भी लगाओगी? हाँ ये पोछा लगाओ थोड़ी ना। चलो बस मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम सारे काम कर देना, सही? ओके थैंक यू। तो भाई साहब आपका भाई रेडी हो चुका है, ससुराल वाले आने वाले हैं, बस उन्हीं का वेट है। क्या तैयारियां हुई? देखिए मैंने सारा टेबल लगाई है पूरी। ओ भाई साहब मेहमानों का फुल खास एहतमाम किया हुआ है, यहाँ भी निकाल क्या न्यू कटलरी भी निकाल। ओ माय गॉड न्यू कटलरी, हाँ मुझे याद है, याद है मुझे तो अच्छे से याद होगा, मेरा कार्ड चार्ज हुआ था। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो फुल सलाद वलाद का अरेंजमेंट हुआ है। अबे तुम आ गए, तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक अच्छी सी बात बताऊंगा, इधर आओ। जब मेहमान चले जाएंगे ना खाना तब खाते हैं, सही है? उनके साथ नहीं खाते, सही है? समझ गए, समझ गए तुम भी? ये समझ गया, ये अच्छा बच्चा, आप समझ गए ना? दादी ससुराल वाले आने वाले हैं, क्या तैयारी? तैयारी उनका इंतजार है। दादी तो सुबह से काम करवा रही है, सारा वेट कर रही है कि कब आएंगे, ये लोगों ने लेट तो कर दिया है थोड़ा सा। क्या तुम लोग मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं? बोलो छुप क्यों रहे हो? आप व्लॉग बनाते हैं? क्या चैनल का नाम है आपका? राहिम वर्ल्ड। सो भाई नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई बेगम और मेरे ससुराल वाले। एक चीज तो मैं भूल गया, ड्राइंग रूम तो देखे।
ओके 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 नाइस नाइस। आप पीछे मेरे देख सकते हो, हमने ये फैंसी लाइट्स वगैरह जो परचेज की थी ये भी लगा दी है भाई साहब। ये पर्दा कितना अच्छी वाइब दे रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फुल एक जो फील मैं चाह रहा था उस तरह की फील आ गई है भाई डाइनिंग रूम में। मतलब हमारी लाइट्स वगैरह चल रही है, फुल वार्म थीम हमने रखी हुई है, अच्छा है। बस यहाँ पे एक टेबल थी, असल में इसकी मैचिंग की मुझे टेबल मिल नहीं रही थी, तो फिर यह है कि हम थोड़ा सा टाइम गुजार लें, फिर हम यहाँ पे टेबल भी अरेंज कर देंगे। ये देख के तो खुशी हुई कि भाई ये ड्राइंग रूम बहुत प्यारा लग रहा है। सब चेक कर लेते हैं खाने वाने में क्या है, इसमें क्या है। ओए होए 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 भाई साहब, इसमें तो पाए बने हुए हैं भाई। ये दोनों बिरयानियां हैं, अब ये दम पे हैं तो ये बाद में ही खुलेंगी, मैं नहीं छेड़ता इनको, लेकिन इसको मैं जरूर छेड़ सकता हूँ भाई। तो भाई साहब अब जब तक मेहमान वगैरह आ रहे हैं, हमने यहाँ पे आग का इंतजाम कर लिया है। हाँ भाई आग एंजॉय कर रहे हो, असल मानों में सर्दी तुम एंजॉय कर रहे हो। सर्दी हो गई है, ग्लव्स ग्लव्स पहन के बैठे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए हो भाई, मरी में आए हुए। अबे भाई क्या ही बोलूं, चलो जल्दी से हाथ वाथ सेकते हैं, फिर उसके बाद मेहमान आने वाले। ए भाई साहब मेहमान आ गए, ये कोई टाइम है आने का? लेट आते हैं, वीआईपी में, वीआईपी के लिए फिर खाना नहीं बचता, हमारे बिना कोई खाना खा नहीं सकता। ये बात तो है, बहुत देर से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ कि मैं अब खाना खाऊंगा, लेकिन भाई नहीं। चलें अभी खाएंगे। हाँ चलें अभी खाते हैं खाना। हाँ खाना ना खाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ भाई, हफ्सा की अब एंट्री मैंने कर दी है बंद कमरे में। मैंने बोला अब नहीं देखने दूंगा रूम, बस नाम है, मुझे अपने कपड़े रखने तो बस वो रखूंगी, फिर उसके बाद पहले बंद। मेहमान आए हुए हैं बाहर और तुम लोग यहाँ पे शोर शराबा, ये क्या कर रहे हो? ये देख लिया ना जिसका कमरा है उसने, तो तुम लोग को ना उठा उठा के फेंकेगी। हटना सर, ये देखिए देखिए ये तबाहियां मचाई है यहाँ पे, तोड़ नहीं करना ज्यादा, मेहमान आए हैं तुम लोग पागलों की तरह ऐसे। इनका वाला सीन हुआ है जैसे वो अस्करी पार्क में आके, कोई एक जगह नहीं होती जहाँ पे ये बच्चों को बंद किया जाता है। चलो बाहर नहीं आना भाई, बाहर नहीं आना, तुम लोग यहीं रहो अंदर ही, आप एक दूसरे को मारो पीटो जो करने, तेरी निकल यहाँ से, टक्कर हो गई भाई, टक्कर हो गई। चलो भाई बाहर चले भाई, साथ ही साथ नीचे खाना लग चुका है, जल्दी से खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं। अरे भाई साहब इन लोगों ने खाना वाना खाया, इतनी जल्दी जा रहे हो यार आप? यार वो मैं अकेली घर पे ना, तो क्या हो गया यार? मैं तो आप ही, मैं काम करो, आप रुक जाओ मैं आपको छोड़ दूंगा। कल आ रही हूँ ना फिर से, कल हमारा इतना अच्छा प्लान है गाइस, आप लोग देखते रहिएगा बस। भाई साहब कल हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं और डांस प्रैक्टिस होगी, लेकिन दुल्हन इतने भारी ड्रेस में डांस नहीं कर पाएगी। मैं थोड़ा सा अपने दूल्हे के साथ करूंगी। हाँ देखेंगे, हाँ बस लेकिन सर मेरे साथ, अगर किसी और के साथ भी किया ना, किसी के साथ भी, एक सेकंड, हम लोग गाने पे करेंगे, मेरे साथ चलेगी ना जी ना जी, बस ये वाले गाने पे डांस वांस कर लाओ। तो अगर सही थी खाना वाना खाया आ गया, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।